अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यूथ फोरम की एक और निशस्त लेकर मैं आपकी मेज़बान महना शफी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, मौजूदा दौर में जिन चंद चीज़ों ने मुआशरात को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया है उनमें मंशियात सरफहरिस्त हैं। आलमी सेहत की तंजीम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 2 अरब से ज़्यादा लोग शराब नोशी में मुबतला है। इसके अलावा दीगर मंशियात में मुबतला होने वाले लोगों की तादाद इससे बहुत ज़्यादा है। नाजरीन, मंशियात हमारे समाज को खोखला कर रहा है, खुसूसन हमारे नौजवान को। इस वबा को रोकने के लिए, इसका खात्मा करने के लिए दुनिया भर की हुकूमतें मुकम्मल कोशिश कर रही हैं। ये कोशिशें हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है और इनकी फतह से ही हमारा समाज और हमारा नौजवान आगे बढ़ेगा। नाजरीन, इसी हवाले से दूरदर्शन की तरफ से यही कोशिश रहती है कि हम इस मौजू पे बातचीत करें ताकि हमारे समाज में, हमारे नौजवानों में मंशियात के मुज़िर असरात के हवाले से बेदारी पैदा हो। तो नाजरीन, इसी हवाले से जो आज का हमारे मौजू गुफ्तगू रहेगा वो है ड्रग एडिक्शन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन आवर सोसाइटी। इस मौजू पे बात करने के लिए हमने मदु किया है ख़ास एक्सपर्ट को। तारुफ करते हैं अपने एक्सपर्ट से। आप हैं डॉक्टर अब्दुल माजिद, HOD पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, स्किम्स मेडिकल कॉलेज, बेमिना। खैर मकदम है आपका सर। अस्सलाम वालेकुम। चंद दोस्त भी हैं इस प्रोग्राम में। आप हैं रूफ खान, साथ देंगे हमारा रुबीना और साथ देंगे हमारा पीर अयूस। आप सब दोस्तों का खैर मकदम है प्रोग्राम में। नाजरीन, शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम की। असर मंशियात, जैसा हमारा आज का प्रोग्राम का टॉपिक भी है ड्रग एडिक्शन, तो ये कैसे, ये जो ड्रग्स हैं, हम आम मेडिसिन को भी ड्रग्स बोलते हैं, तो ये ड्रग्स और जो मंशियात है, सब्सटेंस अब्यूज जो है, ये ऑल टर्म्स कैसे डिफरेंट है और क्या इम्पैक्ट है हमारा जो मंशियात है हमारी सोसाइटी पे, इंडिविजुअल और कलेक्टिव लेवल पे हमारी सोसाइटी पे। देखिए, जो रोज़मर्रा तकालीफ के लिए हम दवाइयाँ देते हैं, चाहे ब्लड प्रेशर के लिए दे दें या डायबिटीज़ के लिए दे दें या थायराइड या कोई भी तकलीफ हो, जिस्म की तकलीफ हो, नफ्सियात की तकलीफ हो, तो वो एक ज़रूरत का सिलसिला होता है ताकि जो एक बॉडी में बैलेंस बिगड़ा हुआ होता है उसको वापस लाने के लिए, नॉर्मल लेवल पे लाने के लिए मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, दवाइयात की, अद्वियात की ज़रूरत पड़ती है। तो वो एक मजबूरन हमें देना पड़ता है ताकि इस मरीज़ की तकलीफ का खात्मा हो जाए, वो ठीक ठाक हो जाए। लेकिन उनको हम मेडिसिन कहते हैं इन जनरल टर्म, जो लोगों को भी पता है उनको अद्वियात कहते हैं। लेकिन जो ड्रग्स की आप बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली ड्रग्स को हम कहेंगे कि जैसे मंशियात हैं, वैसी अद्वियात, वैसी दवाइयाँ जो नॉर्मली रूटीनली कोई प्रेस्क्राइब नहीं करता है डॉक्टर, राइट। सो इन अद्वियात को जिनका एक गलत असर है, खुद ही लोग इस्तेमाल करते हैं विदाउट प्रेस्क्रिप्शन इस्तेमाल करते हैं, कुछ इनमें अद्वियात ऐसी होती हैं जो हम दवाइयों की सूरत में तकलीफों के लिए भी देते हैं, लेकिन वो डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन होना चाहिए तभी वो लीगलाइज हो जाता है। अदरवाइज कई लोग ऐसे, कई बच्चे ऐसे या नौजवान ऐसा भी करते हैं, कफ सिरप्स ले लेते हैं, उनको कफ नहीं होता है, पेन की टैबलेट्स लेते हैं, उनको पेन बुनियादी तौर नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी अद्वियात ऐसी हैं जो हमारे दिमाग की नसों में एक ऐसे मादे को रिलीज करती हैं जिसको हम डोपामीन कहते हैं। डोपामीन हम कहेंगे इट्स अ हैप्पी हार्मोन, एक प्लेजेंट फीलिंग देता है एक इंसान को, किसी भी उम्र के इंसान को, लेकिन ये एक मखसूस वक्त के लिए रहता है, एक महदूद वक्त के लिए रहता है, वो प्लेजर, वो खुशी जैसी छा जाती है, एक्साइटमेंट आ जाता है, तो वो जो महदूद तरीके वो खुशी या एक्साइटमेंट आ जाता है वो टाइम के साथ साथ ख़त्म हो जाता है। तो ये अद्वियात की ज़रूरत इनको इतनी ज़्यादा फिर शिद्दत से बढ़ जाती है कि अगर ये फॉर एग्जांपल चाहे बॉटल हो या सिरप हो या टैबलेट्स हो या इंजेक्शन हो, आहिस्ता आहिस्ता इनकी मकदार जो है बढ़ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज एक टैबलेट करे थे, 15 दिन हो गए 2 टैबलेट्स का इस्तेमाल करना पड़ा, 2 महीने हो गए 10 टैबलेट से अब मन नहीं भरता है, क्योंकि दिमाग में एक ट्यूनिंग हो जाती है कि
जितना आप दवाइयां इस्तेमाल करोगे उसी हिसाब से आपकी डोपामिन लेवल ऊपर आ जाती है। जब आप इन दवाइयों का इस्तेमाल कम कर देते हो या बंद कर देते हो तो सडनली जो ये हैप्पी हार्मोन है खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से एक इंसान डिस्ट्रेस में पड़ जाता है और इंसान को लत पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है। तो ये एक सिंपलिस्टिक है। अगर आप तशबीह दे दें, हम कंपेयर करें इसको डायबिटीज की दवाइयों के साथ, जो डायबिटीज की दवाइयां हैं वो इंसुलिन की कमी की वजह से हो जाती हैं। इंसुलिन लबलबे से एक हार्मोन निकलता है जिससे हमारी शुगर लेवल एक लेवल पे रहती है जी। लेकिन जब हमें ये इंसुलिन लेवल्स कम हो जाती हैं या तो हमें इंसुलिन इंजेक्शन देने पड़ते हैं या टैबलेट देने पड़ते हैं, वो भी हमें तकरीबन उम्र भर हर एक मरीज को देनी पड़ती है। लेकिन वो जरूरत का मामला, अगर वो दवाइयां हम नहीं देंगे तो ये आदमी खुदा ना खास्ता ये इंसान मर सकता है इस तकलीफ से जी। सर जो ये मंशियात है, आज के जो हम फिगर्स देख रहे हैं, जो हमारा लेटेस्ट डेटा है हमारे पास, तकरीबन 5% से जो ज़्यादा आबादी है, अगर मैं कश्मीर की बात करूं तो किसी ना किसी मंशियात में मुबतला है। और इसमें जो मेजर एज ग्रुप है 15 से लेकर 18 तक, जो मेजर चंक है, इसके बाद भी है, तो क्या वजूहात है जो हमारा नौजवान इसकी तरफ बहुत रागिब हो रहा है? देखिए, जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्रिस्ट केमिस्ट मेडिकल कॉलेज है, हमने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है कंट्री का, तो उनके साथ कोलैबोरेट करके हमने एक स्टडी करा था 2018 से लेके 2020 तक। तो 2 साल में हमने हाउस होल्ड सर्वे किया, घर घर जाके कुछ सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में जो स्टैटिस्टिकली हमने चूज किए थे, उसके बाद रेस्पोंडेंट ड्रिवन सैम्पलिंग की, यानी कि जो लोग, जो मरीज मंशियात में इन्वॉल्व हैं, तो वो जो ट्रीटमेंट के लिए आते थे उनका हमने एदाद शुमार लगाया, उनका हमने प्रोफाइल देखा, और खासकर जो हाई रिस्क कम्युनिटीज हैं, उसमें स्टूडेंट्स आते हैं, उसमें ट्रांसपोर्टर्स आते हैं, उसमें टूरिज्म के रिलेटेड जो हैं, या इवन अनएम्प्लॉयड यूथ इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स। सो ये सारे मिला के हमने देखा कि जो, जैसे आपने एदाद शुमार कहे, तो हमने उस स्टडी में देखा कि तकरीबन 15 साल से लेकर 35 साल की उम्र के लोग जो हैं उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि 15 साल से नीचे जो है वो रिस्क के बगैर हैं, ऐसा नहीं है, या 35 साल के बाद के उम्र के जो लोग हैं उनको नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो लोग थे इसी एज ग्रुप में थे 15-35। तो सबसे पहली जो हमने वजूहात देखी क्यों लोग इसकी तरफ जा रहे हैं, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है अवेलेबिलिटी, दस्तियाबी, अगर आपके पास कोई भी चीज़ दस्तियाब है तो आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। दूसरा है पीयर ग्रुप प्रेशर, बच्चे लोग कहीं गुलमर्ग गए, पहलगाम गए, न्यू ईयर पार्टी थी, बर्थडे पार्टी थी, घर से दूर गए, कोई इनहिबिशन नहीं है, तो अगर एक बच्चा उनमें से नशा इस्तेमाल करता होगा तो शौकिया तौर पे दूसरे बच्चे भी उसकी तरफ माइल हो जाते हैं, तो ये तकलीफ उसी से, शौक से पैदा होती है। एक हम आहंग ग्रुप होता है, आपस में वो अपने जज्बात शेयर करते हैं, कहते हैं कि जनरेशन गैप है, फादर के साथ ऐसे नहीं डिस्कस कर सकते, बड़े भाई के साथ नहीं कर सकते, लेकिन एक जो एज ग्रुप होता है उनके साथ बड़े मिलके बड़ी खुशी से, अरे जी आप इस्तेमाल करें, वो यार आप देख लो बड़ा मजा आता है इन दवाइयों को, इस चीज को इस्तेमाल करने में आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तो ये सिलसिला वहीं से स्टार्ट होता है, पीयर ग्रुप प्रेशर से, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली द अवेलेबिलिटी जो है। तो इसका मैं एक सपोर्ट दे दूंगा, जैसे हमारा अल्कोहल का सिनेरियो कश्मीर का, हाँ, अगर हम देखें, आप देखेंगे अल्कोहल बहुत कम है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द कंट्री। वन इज दैट ये सोशली अप्रूव्ड बेवरेज नहीं है, हम इस्तेमाल नहीं करते हैं पार्टीज में या कहीं पे भी। दूसरा ये भी है कि आउटलेट्स नहीं है, सो इट्स नॉट अवेलेबल, सो कॉमन पर्सन डजंट हैव एक्सेस टू दिस सब्सटेंस सो फ्रीक्वेंटली एंड सो फ्रीली। सो वो एक वजह है कि जब दस्तियाबी आपकी बहुत लिमिटेड है तो इस चीज के कंजप्शन भी बहुत लिमिटेड है। दिस इज वन मेजर रीजन जी। जैसे रूफ सर ने बात की अवेलेबिलिटी और पीयर ग्रुप की, तो पीयर ग्रुप में ये मजाकिया तौर पे स्टार्ट हो जाता है, लेकिन आगे जाके ये बहुत बड़ी लत बन जाती है, डेंजर बन जाता है एक बच्चे की जिंदगी को। तो आपको क्या लगता है, एज अ सोसाइटी, एज एन इंडिविजुअल, पेरेंट्स का क्या रोल रहना चाहिए, हमारे समाज का क्या रोल रहना चाहिए इन बच्चों को अवेयरनेस लाने के लिए? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम में दावत देने के लिए और इस खुसूसी और अच्छे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। देखिए मैनाज जी, मैं, अरे क्या हुआ मुन्ना, तुझे अदरक और चटवाता हूँ। इसकी सांसें तेज चल रही है, घरेलू इलाज नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम तो यूं ही घबरा जाती हो।
अच्छा मेरे एग्जाम कब है? एग्जाम? हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है? बेटा ये सब माँ को पता होगा ना? पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना। और स्कूल में भी बताया है कि सांस का तेज चलना निमोनिया हो सकता है। मान गए माँ की नजर को, चलो अस्पताल चलते हैं। इसे निमोनिया हुआ है, सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। एक पेपर पढ़ रहा था, डॉक्टर मरगू बिन दत्ता, उन्होंने पब्लिश किया था ड्रग एंड ड्रग एडिक्शन कश्मीर। तो उन्होंने वहाँ पर एक स्टेटस दिया था कि कश्मीर में 2.5 लाख जो नौजवान हैं वो ड्रग एडिक्ट्स हैं, वो ड्रग एडिक्शन करते हैं, और उसमें 31% आर फीमेल्स। जी जी जी। देखिए इसमें जो सबसे बड़ा जो रोल है वो रहता है फैमिली, और सबसे बड़ी चीज मदर होता है। वो कहा जाता है कि मदर इज द फर्स्ट स्कूल, कि वहां से स्टार्ट होता है प्रिवेंशन इसका। क्योंकि बच्चे एक मदर को, एक पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों पे नजर रखे, खासकर फ्रॉम फर्स्ट एज 1 से लेके एज 20 तक, क्योंकि यही सबसे क्रिटिकल ग्रुप होता है जहाँ एडिक्शन होती है, स्टार्ट होती है, जहाँ स्टार्ट होता है। और मुझे डर है क्योंकि जिस तरह से मैंने ये स्टैटिस्टिक्स पढ़ी कि 31% ऑफ फीमेल्स, और आगे जाके वही मदर्स बनेंगी, जब वो एडिक्ट्स है तो बच्चे क्या होंगे, उनके बच्चे कैसे होंगे। तो ये मुझे बहुत डर लगता है इस बात से। और दूसरी चीज, उसके बाद इंस्टीट्यूशंस जहाँ स्कूलिंग होती है वहाँ का भी बहुत बड़ा एक रोल रहता है, क्योंकि आई थिंक दिस शुड बी द सब्जेक्ट एंड टॉपिक। हाँ, अवेयरनेस लानी चाहिए, जैसे बाकी हमारे यहाँ एनवायरनमेंट के रिलेटेड पॉपुलेशन के रिगार्डिंग इसी तरह बच्चों को अवेयर करना चाहिए। जी सर, अगर हम ड्रग अब्यूज की बात करते हैं, हमारे पास कॉमन कुछ ड्रग्स है लाइक हेरोइन है, गांजा है, अफीम है, दीज आर द कॉमन नोन ड्रग जो हमारे पास है सर। लेकिन जब हम बात करते हैं सिगरेट की, अल्कोहल की, इन सब चीज़ों की सर, ये जो गेटवे ड्रग्स है क्या ये हमें लीड करते हैं इन मेजर ड्रग्स की तरफ? ऑब्वियसली देखिए, मैं तभी पहले ही बोल रहा था कि जो भी मंशियात हैं, जो भी दवाइयां हैं, बट इन एडिशन जो भी आपकी डोपामिन लेवल को इंक्रीज करती हैं वो आपको एक रिस्क फैक्टर बना देती है कि वो बंदा किसी भी मंशियात का आदि बन सकता है। सो दे से दैट इट इज़ द गेटवे ऑफ अदर सबस्टांसेस। अगर आप सिगरेट पीते हैं या अल्कोहल का कोई भी ब्रांड इस्तेमाल करते हैं तो आप हीरोइन से दूर नहीं है, आप कोकेन से दूर नहीं है, आप बाकी मनशियाती अद्वियात से दूर नहीं है, क्योंकि आपने एक प्लेटफार्म दे दिया इन दवाइयों को, आपने एक स्टेज दे दिया, आपने खुद ही स्टेज सेट कर दिया सिगरेट पी के, एक हार्मोन लेवल आपने डिस्टर्ब की अपने दिमाग में। तो आपको जरूरत पड़ेगी, अगर आपकी परेशानी थोड़ी सी कभी और ज्यादा बढ़ गई या कई और दोस्तों के साथ लग गए, आप वल्नरेबल है, क्योंकि आपने एक क्रिएट स्पेस की अपने दिमाग में इस चीज के लिए। तो आपकी स्पेस को अगर मौका मिल जाता है दूसरे दोस्तों के साथ, वो कई और अद्वियात का इस्तेमाल, मंशियात का इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो यू आर रिसेप्टिव एज वेल एज यू हैव अ हाई लेवल ऑफ रिस्क दैट यू विल गेट एडिक्टेड टू हेरोइन, यू विल गेट एडिक्टेड टू सब्सटेंसेस व्हिच आर हार्ड कोर सब्सटेंसेस, जिसमें जैसे आपने कहा हेरोइन या अफीम, वो तो ऑलमोस्ट सेम बात है। कोकीन की बात करें या मिथाइल फेनिडेट की बात करें, बहुत सारे लड़के आज हम देख रहे हैं जो हमारे पास ड्रग एडिक्शन फैसिलिटीज चल रही हैं हमारे हॉस्पिटल में, जीवीसी जिसको आम तो लोग जानते हैं, तो हमने वहाँ ड्रग ट्रीटमेंट सेंटर एस्टैब्लिश करा हुआ है। हम फ्री अद्वियात दे देते हैं वहाँ पे, जो लोग हमारे पास आना चाहते हैं तो हम उनको बिल्कुल फ्री में मेडिसिंस दे देते हैं। तो वो चीज़ें हम देख रहे हैं, अगर वहाँ पे जो हमारा प्रोफाइल ऑफ पेशेंट्स आ रहा है कि वो ज़्यादातर आजकल बदकिस्मती से इंजेक्शन हीरोइन का इस्तेमाल करते हैं। और रोब साहब से मैं बिल्कुल इतफाक करूंगा, इन्होंने तो बहुत पुरानी वाली स्टडी कोर्ट की, वो 90s की है, 2000 की है। मैं आज के एदाद शुमार अगर मैं दे दूँ, आज की मैं बात कर रहा हूँ, 25th जून फरवरी की बात कर रहा हूँ, तो आज जो हमारा प्रोफाइल है, अनफॉर्चुनेटली वी हैव अराउंड 10-15% ऑफ पेशेंट्स, ये तो ड्रग अब्यूज की बात कर रहे हैं, 10-15% हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं वो HIV और HCV पॉजिटिव भी हैं कश्मीर में, कश्मीर में जो दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं,
खासकर इंजेक्शन का इस्तेमाल करें, तो इससे बुरी बात हमारी सोसाइटी के लिए नहीं हो सकती है। सर ये बहुत ही सीरियस मैटर है। तो सर जैसे इन्होंने बात करी फैमिली की और आपने बोला कि सिगरेट और अल्कोहल की आपने बात की इतना अवेलेबल नहीं है, लेकिन सिगरेट हमें यहाँ पे बच्चों को भी बेचते हैं लाने के लिए, तो कैसे देखते हैं आप जब बड़े बुजुर्ग घर में सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपने फरमाया कि बिल्कुल ये डोर वे है इसके लिए, बाकी खतरनाक ड्रग्स के लिए, तो कैसे देखते हैं आप इस चीज को? देखिए हमें किसी न किसी तरीके से, जो हम अपनी अपने आप को मॉडर्न सोसाइटी कहलाते हैं, बट बदकिस्मती से हम बहुत ज़्यादा पीछे हो गए हैं। मुझे याद है अगर 30 साल पहले हमारे मोहल्ले में मेरे ख्याल में कोई जवान सिगरेट नहीं पीता था, क्योंकि बुजुर्ग उस मकान से निकलने वाला होगा, कोई खिड़की से देख रहा होगा। हमारी आजकल की सोसाइटी में कंप्लीट बदलाव आ गया है। एक तो न्यूक्लियर सोसाइटी का मामला हो गया, आपके माँ बाप दिन को काम पे होते हैं, बच्चे अकेले घर में होते हैं। दूसरा ये भी हो गया कि वो जो एक सुपरविजन हुआ करता था हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का, या हमारे जो आसपास के लोग थे, हमसाया कोई था, बुजुर्ग थे, तो एक हया शर्म का मामला होता था। लेकिन हमारी सोसाइटी में जो डिग्रेडेशन आ रही है वक्त के साथ साथ, हमारे पास तो गाड़ियां हैं, स्मार्टफोन्स हैं, इंटरनेट है, एवरीथिंग इज देयर, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हमने इसके साथ साथ अपने साथ ऐसी मुसीबतें जमा की हैं जो हमारी आने वाली जनरेशन आपको माफ नहीं करने वाली है। तो इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम, एज रऊफ साहब सेड, इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम फैमिली। So it has to start within the family. Cigarette smoking, it's from the parents that you get it. It's from the friends that you get it. आप अपने बाप को देखते हैं सिगरेट पीते हुए, या आप वो कभी आपको बेच देता है, आपका फिर कोई हक ही नहीं बनता आप अपने बच्चे को बोले आप क्यों सिगरेट पीते हो। So start from yourself. Charity has to begin from yourself, your own self. सर आपने बात की कि हमारा समाज ये है न्यूक्लियर सिस्टम आ गया है इसमें। सर आप जो ये ड्रग एडिक्शन में फंस गए हैं जो बच्चे, पहले तो एक दूसरे का हमें पता ही नहीं होता, अगर इन केस अगर पता भी चल जाता है इस फला पड़ोसी का बच्चा इसमें इन्वॉल्व हो गया है, तो एक तरह का एलिमिनेशन हो जाता है उस फैमिली का, एक सोशल बायकॉट हो जाता है, एक टैबू है एसोसिएट इस के साथ, कैसे ये माइंडसेट हम चेंज करें लोगों का? देखिए सबसे बड़ी बात है जो मंशियात के साथ अगर कहीं भी आप दुनिया में देखें, एक टैबू के साथ देखा ही जाता है इन मरीजों को, क्योंकि नफसियाती तकालीब जो भी हैं उनको एक गलत नज़र से देखा जाता है कि ये खुद ही इसमें इनका दिमाग ही ऐसा होता है। कशिर पचवनाई सिंपल पुट इट सिंपलिस्टिकली, सो बट अनफॉर्चुनेटली हमें उस वक्त हम भूल जाते हैं कि कोई माँ की कोख से निकलता नहीं है ड्रग addict. It's the circumstances around him. Maybe there is genetic predisposition, अगर किसी का फादर या किसी का कोई अपना रिश्तेदार इस लत की शिकार हो, इस लत में आ गया हो, तो इसका ज्यादा रिस्क बनता है। लेकिन साथ में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कौन से फैक्टर्स हो रहे हैं जिसकी वजह से ये बच्चा इस चीज का शिकार हुआ है, चाहे वो इसकी सोहबत थी, गलत सोहबत में लग गया और मंशियात का आदि बन गया, या कुछ ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये बच्चा इसकी तरफ माइल हो गया, रागिब हो गया। तो मेरे ख्याल में अगर हम इस बच्चे को स्टिग्मेटाइज करेंगे, इसके साथ भेदभाव करेंगे, क्या होगा कि ये लोग हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए नहीं आएंगे। ये बिल्कुल वैसी ही बात होगी, अभी हम कोविड से जूझ ही रहे हैं, तो कोविड में जब आप स्टिग्मेटाइज करेंगे बंदे को कि होम इज कोविड सुबिचोर शुनिया तिमसन फैमिली शिन पर ट्रीटमेंट खतरी है वहां की ही तुम जिन नबरी पत नहीं रहते देखो छु ड्रग एडिक्शन इसका साथ। सो वंस दे स्टार्ट, अगर उनको लगा कि हमें स्टिग्मेटाइज कर रहे हैं, वो नहीं आएंगे आपके पास। तो जब वो घर पे ही बैठेंगे, सोसाइटी में बैठेंगे, वो अपने पैर फैलाएंगे, वो उनको तो जाना है दवाइयां लाने के लिए, उनको तो जाना है लोगों से मिलने के लिए, तो ये एक इंफेक्शन की तरह है जो फिर स्प्रेड होता जा रहा है अगर आप इसको कर्व ना करें। सो स्टिग्मेटाइजेशन से हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स बढ़ती है ना कि सॉल्व होती है। जी जी रुबीना, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे सर ने बात की स्टिग्मेटाइजेशन से प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, सॉल्व नहीं हो रही है, तो क्या लगता है आपको एज अ यूथ, आपको क्या लगता है हमारा रोल क्या होना चाहिए? अगर हम किसी ड्रग एडिक्टेड को देखते हैं, इमिडिएट एक्शन क्या होना चाहिए हमारा? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है, हमें उसको दूसरी नज़र से नहीं देखना है। सही बात है। मतलब सर ने बोला कि माँ की कोख से ही कोई अब्यूज नहीं होता है, किसी न किसी वजह से वो इस लाइन की तरफ गया है। पहले हमको उससे प्यार मोहब्बत से पेश आना है, मतलब फ्रेंडली उससे पेश आना है, फिर मतलब अगर हम उसके रिश्तेदार या किसी को जानते हैं उनको इन्फॉर्म करना है। अगर घर वालों को नहीं पता है कि
मतलब ये इस मतलब इस बिदत में शामिल, अगर हमें पता चलता है तो हमें प्रो एक्टिव रोल लेना है, उनके घर वालों को इन्फॉर्म करना है, ना कि हमें छुपना है। हाँ सर, यहाँ पे एक टर्म है जैसे कि ड्रग यूज या ड्रग अब्यूज या ड्रग एडिक्शन, ये तीन स्टेजेस है सर, क्या डिफरेंस है इनमें? देखिए, ड्रग यूज का कभी भी शौकिया तौर पे इस्तेमाल कर लिया और इन चीजों से इसको लीगल प्रॉब्लम हो गई, फॉर एग्जांपल इसने चरस पिया हुआ था या जेब में चरस पकड़ा गया और गाड़ी में पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ा, तो लीगल प्रॉब्लम हो गई, जेल में डाल दिया या कोई और सबस्टांस। दूसरा चीज, ये नशा करा हुआ था, इसकी वजह से घर में अपनी बीवी के साथ, अपनी माँ के साथ लड़ाई हो गई, इंटरपर्सन प्रॉब्लम्स हो गई। तीसरा चीज, नशा करा हुआ था, कैनबिस लिया है या हीरोइन लिया है या कोई और नशावर्दी दवाइयां ली हुई है, एक्सीडेंट हो गया कहीं पे भी जी, तो दैट मींस कि फिजिकल हार्म हो गया। तीसरा चीज, ये दवाइयां ली, चौथा चीज, ये दवाइयां ली हुई हैं तो मेडिकल प्रॉब्लम्स हो गई, जैसे कैनबिस वालों को, चर्स वालों को अस्थमा या छाती की तकलीफ लाहक हो सकती है, इंजेक्शन करने वालों को जैसे मैंने कहा कि बाकी तकलीफें होती हैं, तो ये अब्यूज की बात है, इसकी वजह से ये चीजें हो गई। लेकिन ये कभी कभार यूज करता है, लेकिन इसकी वजह से ये चीजें हो गई, या तो अरेस्ट हो गया या तो एक्सीडेंट हो गया या घर में परेशानी, घर में कोई बिगाड़ हो गया। एडिक्शन या डिपेंडेंस इज अ सीवियर फॉर्म, इसका मतलब है कि ये बंदा डिपेंडेंट हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, ये दवाइयां 15 दिन या 20 दिन या 1 साल या 2 साल से इस्तेमाल कर रहा है, अगर ये इस दवाई की क्वांटिटी में, मिकदार में कमी कर देता है या बिल्कुल एकदम से बंद कर देता है तो इसको विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे। जैसे मैं हीरोइन का बोल दूं, क्योंकि हीरोइन का बहुत ज्यादा अभी इस्तेमाल हो रहा है हमारे कश्मीर के हवाले से, तो जब ये सडनली, इनको घर वाले देखते हैं कि यार क्या कर रहे हो, कौन सा इंजेक्शन ले रहे हो, क्यों ये सिगरेट के फॉइल पे क्या यूज कर रहे हो, क्या स्निफ कर रहे हो, तो ये सडनली छोड़ देते हैं डर के मारे 3 दिनों से, लेकिन इनको विड्रॉल्स आ जाते हैं। विड्रॉल्स, नाक से पानी बहता है, आंखों से आंसू बहते हैं, लूज मोशंस हो जाती हैं, क्रैम्प्स हो जाती हैं, बहुत ज्यादा दर्द हो जाता है, शिद्दत का दर्द हो जाता है। तो जब ये विड्रॉल्स हो गए, दैट मींस अंदर बॉडी में इसकी क्वांटिटी जो थी नशावर दवा की, वो बिल्कुल कम हो गई। तो जब ऐसे विड्रॉल्स आ जाते हैं, उस बंदे को हम डिपेंडेंट कहते हैं। ये जी रिहैबिलिटेशन इसको करना है, ऑब्वियसली इसको ट्रीटमेंट करना, डिटॉक्सिफाई करना, और सबसे बड़ी बात जैसे आपने कहा, रिहैबिलिटेशन की बहुत ज्यादा जरूरत। इसके बारे में और बात करेंगे तो रूफ पीर आयुष, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अवेलेबिलिटी की अगर हम बात करें, एज ए यूथ आपको क्या लगता है, कैसे हम इस, जो ये सोसाइटी में इतना ज्यादा पॉपुलर है ड्रग यूज का, तो कैसे इसको अवेलेबल जीरो लेवल पे कैसे इसको हम खत्म करें, अवेलेबिलिटी कैसे हम इंश्योर करें कि सोसाइटी में ना हो? थैंक यू वेरी मच मैडम। देखिए, ये जो अभी आप बात कर रहे थे, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन अभी हम देखते हैं ना मैडम, ये जो आजकल होता है ड्रग, वेस्ट फॉर टाइम, वेस्ट फॉर एनर्जी, वेस्ट फॉर मनी इन वन यूथ पर्सन। अभी अगर हम पेरेंट का रोल देखेंगे मैडम, अभी हम बात कर रहे थे पेरेंट का कौन सा रोल होना चाहिए घर तक, लेकिन आजकल जो यूथ है दोस्तों के साथ घूमने वूमने जाते हैं, वो बाहर भी ड्रग करते हैं, वहाँ कैसा उनका पेरेंट का रोल रहेगा, जबकि उनकी नजर नहीं है हमारे बच्चे क्या करें, कोई स्टडी करने जाता है, हमें देखना है रीजन क्या है, क्या रीजन है जिसकी वजह से वो ड्रग करते हैं, क्यों ये ड्रगिंग होती है, इसका रीजन क्या है, जिसको हम डिप्रेशन में जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है, कोई भी ऐसे रीजन है जिसकी वजह से ड्रगिंग होती है। यहाँ मैं ऐड करना चाहूंगा कि इन्होंने अभी कहा कि बच्चा घर से बाहर निकला, पेरेंट की नजर नहीं है, देखिए वहाँ पर तरबियत की जरूरत पड़ती है, वहाँ पर तरबियत काम आती है, जैसे सर ने कहा मॉरल डिग्रेडेशन हो रही है हमारी सोसाइटी। देखिए मैं अपनी बात करूंगा, मेरा जो फ्रेंड सर्कल है, आई थिंक ऑल आर स्मोकिंग सिगरेट्स, बट आई नेवर स्मोक्ड, क्योंकि जब भी वो सिगरेट पीना शुरू करते मैं उनको छीन लेता हूँ, फेंक देता हूँ, या तो मेरे सामने, अब पीते ही नहीं है। दूसरी चीज, और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है, देखिए मैं आपको एक स्टैटिस बताऊंगा, 2019 में रजिस्टर्ड हुए हैं हॉस्पिटल में 638 केसेस, बट 2020 में 2038 केस रजिस्टर हुए हैं एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल, बट देयर आर थाउजेंड्स एंड लेक्स ऑफ ड्रग एडिक्शन कश्मीर, 2000 क्यों रजिस्टर हुए हैं? सर आपसे मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि यहाँ पर क्योंकि आप इससे डील कर रहे हैं, कि यहाँ पर आपको नहीं लगता है कि ये जो पेरेंट है उनको फ्रेंक रहना चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि मेरा जो बेटा है ये ड्रग एडिक्ट है, स्टिल वो इस क्वालिटी को, ये ड्रग इस क्वालिटी को छुपाते, क्योंकि ये हमें बेइज्जती ना हो जाए, उस बेइज्जती की वजह से वो और अपने बच्चे को खराब करते हैं। और दूसरी चीज, आइडेंटिटी, नहीं पहले इनका मैंने डिफरेंटली परसीव किया कि
एक टर्म है हमारी साइकाइट्री में खासकर ड्रग एडिक्शन को लेके, उसको हम एनेबलिंग कहते हैं। एनेबलिंग, एनेबलिंग मींस नॉन एक्सेप्टेंस बाय द पेरेंट्स दैट आवर चाइल्ड कैन यूज दीज थिंग्स एंड दिस इज एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन परफेक्ट दैट आई हैव सीन। मेरे पास कुछ जो सो कॉल्ड वी कॉल दैट अच्छे घरानों से आते हैं, जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन आप उनको बोलते हैं कि मुझे खदशा लगता है कि आपका बच्चा नशा आवर अद्वियात इस्तेमाल कर रहा है। अरे डॉक्टर साहब, ये तो फलाना स्कूल में पढ़ता है, ये तो आप समझ नहीं सकते क्या क्या फैसिलिटीज दी हुई है, ये कैसे नशा करता है। तो ये एनेबलिंग जो है, नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ पेरेंट, दिस इज अ डेडली एटीट्यूड। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी लिव इन अ सोसाइटी, और जो हमारे स्कूल्स में है वहां पे एक लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का, मिडिल सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का और हायर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का। हम सिर्फ 4-5 प्राइवेट हाई फाई स्कूल्स की बात नहीं कर रहे हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट हमारे पास 99% स्कूल्स जो हैं वहाँ पे लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस भी है, मिडिल भी है और हायर भी है, और बच्चे गुल मिल जाते हैं। वहाँ किसी गरीब का या अमीर का या बीच वाले दर्जे का बच्चा नहीं दिखाई देता, वहाँ बच्चे हैं वो सारे, और बच्चे तो एक दूसरे की सुनते हैं, वो एक दूसरे की सुनेंगे, बड़ा बाप बड़े बाप की ज्यादा नहीं सुनेगा, उस लड़के की सुनेगा। तो उसी में फिर जब ये एक साथ बैठ गए, एक साथ इन्होंने अच्छी क्वालिटीज भी शेयर कर लेते हैं, कश्मीर पश्मीना सूट उचित सूट रंग लगा, इट्स अ फेमस हमारे कश्मीरी में बोलते हैं, एग्जैक्टली वही ड्रग एडिक्शन का हाल है। जो अगर खुदा ना खास्ता हमारे बच्चे, किसी बच्चे में स्कूल में क्लास में कोई गलत आदत है, तो एवरी चांस, क्योंकि बच्चा उस स्टेज पे होता है, वी हैव टू अंडरस्टैंड, बहुत डेलिकेट, हमारी फैमिली को समझना चाहिए। ये एक किस्ते में सेर ही पेट आसान कलबस मस जो इन ओम ही आसान अत अगर लकट सर ते बेना अत अच दाग एग्जैक्टली शु बच्चा स्थिति आसान अप टू 25 इयर्स ऑफ एज जो पर्सनालिटी बना इश टर्बुलेंट अक आसान अक सीन अक पीरियड अक दौरान जिसमें डोपामीन का रश होता है, हार्मोन्स का, टेस्टोस्टेरोन का अंदर से रश होता है, सो ये ससेप्टेबल होता है बेचारा, इस वक्त वल्नरेबल होता है कि ये किसी भी गलत आदत के शिकंजे में आ सकता है। सो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड ऑल द पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड दैट, ऐसा नहीं आपको डॉक्टर साहब ने बोला कि इसके आदत गलत लग रहे हैं मुझे, इसका बिहेवियर डिफरेंट लग रहा है मुझे। जैसे हम इंडिकेटर्स की बात करेंगे, कैसे माँ बाप को पता चलेगा कि क्या कौन सी तकलीफ है और कौन सी अद्वियात इस्तेमाल कर रहा है, तो माँ बाप को जानना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हमारा बच्चा बिल्कुल इम्यून है, इसको नहीं हो सकता, कोई भी किसी भी टाइम हो सकता है। जी जी पीर यूस, आपका क्या कंक्लूडिंग रिमार्क रहेगा और हमारे नाज़रीन के लिए क्या मैसेज रहेगा? मैं अपने नौजवान भाई से ये अपील करना चाहता हूँ, ये जो ड्राइविंग करते हैं ना, ये समझते हैं ये किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, लेकिन बट दिस नॉट अ सोल्यूशन, ये एक बिग प्रॉब्लम है। उनको अपनी सेहत के बारे में, उनको अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। जी के लिए अच्छा। जी मैं मतलब माँ बाप को भी बोलना चाहती हूँ और बच्चों को भी, अपना सेहत का ख्याल रखें और माँ बाप को खास करके अपने बच्चों पर ध्यान दें, उनको टाइम दें। जी देखिए, इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है पेरेंट सुपरविजन, एंड सबसे बड़ी दूसरी चीज़ है ऑनेस्टी और फ्रैंकनेस की ड्रग एडिक्शन है, इनको ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए। जी सर, जाते जाते आप क्या देना चाहेंगे मैसेज हमारे नाज़रीन को, और अगर जो बच्चे जो ड्रग एडिक्टेड है उनका ट्रीटमेंट मुमकिन है, आप हमारे नाज़रीन तक के लिए इसके बाद? देखिए, ड्रग एडिक्शन को मैं एज डॉक्टर कॉम्प्लेक्स डिजीज देखता हूँ, सो इट नीड्स कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एवरी सेक्ट ऑफ आवर सोसाइटी, जो हर एक हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, चाहे वो हमारा पेरेंट्स हों, हमारी सिविल सोसाइटी हों, हमारे जो मजहब के साथ लोग जुड़े हुए हैं, मौलाना साहब हैं, पीर साहब हैं, या पुलिस है हमारी, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट है, सबको एकजुट होके इस बारे में सोचना पड़ेगा। और लास्टली मैं ये कहूँगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आप अपने आप को बचाइए ताकि आपको हमारे अस्पताल इलाज के लिए ना आना। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर इतनी मुफीद बातें बताने के लिए। आपको फिर से मुद्दू करेंगे अगले एपिसोड में सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। रूफ, रुबीना, यूस, आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। तो नाज़रीन, आज के शुमारे में बस इतना ही। जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगी, सिर्फ एक कदम उठा था गलत राह शोक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। दीजिए मुझे इजाज़त, अगले हफ्ते होगी आपसे फिर से मुलाकात। अल्लाह निगेबान।